हेलो स्टूडेंट, जीरो से पीओ की सीरीज में हम लोग परसेंटेज टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, उसी में आज हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब तक हमने इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और आज हम मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन हमारे क्या है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है परसेंटेज का, ए रिडक्शन ऑफ 50 पैसा पर डजन इन ए प्राइस ऑफ एक्स। नाउ ए पर्सन कैन बाय 1 डजन मोर एक्स फॉर ₹66। फाइंड दी ओरिजिनल प्राइस। हमें क्या दिया है कि एक नंबर ऑफ एक्स का जो प्राइस कुछ भी होगा इनिशियली, यानी पर डजन जो प्राइस होगा उसमें 50 पैसे का रिडक्शन हुआ। ठीक है, इनिशियल प्राइस हम एज्यूम कर सकते हैं कि एक्स रुपीज पर डजन है, तो अब प्राइस कितना हो गया है, तो अब प्राइस इज एक्स माइनस 50 पैसा। ठीक है, पॉइंट समझना, हम जो प्राइस एज्यूम कर रहे हैं वो रुपीज में है और रिडक्शन जो है वो पैसे में, तो दोनों को हमें एक ही फॉर्म में भी कन्वर्ट करना। सेकेंड थिंग इस क्वेश्चन में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये, अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हमसे चेंजेस पूछे जाते हैं और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ही, मतलब जो रिडक्शन है वो हमें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज गिवन होता, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए ज्यादा इजी होता एज कंपैरिजन अब। ठीक है, जब भी हमें रिडक्शन हो या फिर किसी भी क्वेश्चन में जो चेंजेस है वो डायरेक्टली नंबर्स के रिस्पेक्ट में है, तो हमारे पास एक्स के अलावा इसमें कोई भी अल्टरनेट नहीं रहता। सेकेंड इस क्वेश्चन का वो है टॉपिक, तो समझे, हम इनिशियल प्राइस मानते हैं एक्स। इनिशियल प्राइस यानी ओरिजिनल प्राइस क्या है इस नंबर ऑफ डजन एक्स का। ठीक है, तो इनिशियल प्राइस मैंने अज्यूम कर लिया एक्स रुपीज पर डजन। एक्स रुपीज पर डजन क्यों अज्यूम किया है, जो रिडक्शन हुआ है ना वो पर डजन, तो इसलिए मैंने इनिशियल प्राइस भी उसी के रेस्पेक्ट में अज्यूम किया। अब देखिए, अब प्राइस कितना हो गया है, तो अब प्राइस जो हो गया है वो एक्स माइनस 50 पैसा। 50 पैसा है तो मैं उसे रुपीज में कन्वर्ट करूंगी, 0.50 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स माइनस 0.50 पैसा रुपीज पर डजन। अब देखिए, हमें क्या दिया है कि पहले के कंपैरिजन में जब अगर प्राइस में रिडक्शन होता है तो 66 रुपीज में 1 डजन एक्स मोर परचेज कर पाता, तो यानी पहले भी वो 66 रुपीज में परचेज कर रहा था। अब हमारे पास एक्सपेंस इक्विवेलेंट किसके होता है, तो वो प्राइस इनटू में कंजम्पशन के होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास एक्सपेंस गिवन है, प्राइस गिवन है, कंजम्पशन इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो वो एक्सपेंस अपॉन में प्राइस। तो पहले जो नंबर ऑफ डजन एक्स आते थे और जो अब आते थे उनमें डिफरेंस कितना है, 1 का। तो डिफरेंस देखिए किसमें है, नाउ यानी अब हम का कह लें। ठीक है, और अगर हम बात करें इनिशियल, इन दोनों के रिस्पेक्ट में, अब जो नंबर ऑफ डजन एक्स आते हैं वो कितने होंगे, तो अब एक्सपेंस 66 ही है, पर अब प्राइस कितना, एक्स माइनस 0.5। ठीक है, इनिशियल कितना था, एक्सपेंस इज 66 और प्राइस इज एक्स, और दोनों कंजम्पशन का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 डजन। ठीक है, तो हम डिफरेंस किसके, 1 के इक्वल करते हैं। अब मेन चैलेंज ये तो हमारा बेसिक है कि यहां से इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक और उस इक्वेशन को सिंपलीफाई करना, क्योंकि 0.50। ठीक है, तो वो हमारे लिए सबसे टफ काम है। तो इस क्वेश्चन का जो शॉर्ट मेथड है वो इसके ऑप्शंस के थ्रू है। ठीक है, प्लस इसमें कुछ नंबर्स का कॉन्सेप्ट, नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हम बात करें एक्सपेंस 66 को डिवाइड करना है, 66 को डिवाइड करना, तो 66 के दो फैक्टर हमें इसमें जो विजिबल हो रहे हैं ऑप्शंस के थ्रू, वो 11 और 6। अब कुछ स्टूडेंट्स का मन में डाउट होगा, मैम 22 × 3 भी है, 2 × 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो बेटा ऑप्शंस में से अगर मैं देखूं तो 11 और 6 ही पिक होते हैं, तो हम उस वहां से 11 और 6 ही, इसलिए कंसिडर नहीं कर। ठीक है, सेकेंड थिंग, अगर मैं सेकेंड थिंग यहाँ पे नंबर्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है, 66 को 11 से डिवाइड करूं तो एक सिंपल नंबर आता है, और 66 को 6 से करूं सिंपल नंबर, उसका डिफरेंस 1 पॉसिबल है। पॉइंट समझना कैसे, यहाँ पे मैं नंबर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं, 15 − 14 करते हैं ना तो 1 की पॉसिबिलिटी है, यहाँ तो 1 डायरेक्टली आ सकता है, पर 15 और 14 में मैं क्या आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि अगर हम एक सिंपल नंबर में से, सिंपल नंबर यानी कंप्लीट जो वैल्यू होती है उसमें से डिडक्ट करें तो 1 पॉसिबल था। अगर मैं एक फ्रैक्शन में से फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करूं, जैसे 14.5 में से, ठीक है, 13.5, तब आपके पास 1 की पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये फ्रैक्शन में भी दोनों ये 0.5 इक्वल होने चाहिए या 0.3 तभी पॉसिबल है। तो पॉसिबिलिटी की बात कर रही हूं कि फ्रैक्शन माइनस फ्रैक्शन 1 पॉसिबल है, सिंपल माइनस सिंपल 1 पॉसिबल है, पर कभी भी फ्रैक्शन माइनस सिंपल 14.5 में से 13 सिंपल वैल्यू, सिंपल कुछ भी क्यों ना हो, 14 ही क्यों ना हो, कभी 1 तो कभी पॉसिबल नहीं।
या फिर सिंपल माइनस फ्रिक्शन कहूं तब भी वन पॉसिबल। ठीक है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो मैं फर्स्ट एग्जांपल फैक्टर के अकॉर्डिंग सिर्फ दो ही ऑप्शन चूज करूंगी, 11 और 6, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड वही होते हैं और डिफरेंस वन की पॉसिबिलिटी तब ही। तो पहले मैं ऑप्शन चूज करती हूँ 11। 11 यहाँ पुट करूंगी मैं, देखो तो 11 से इसे डिवाइड करूंगी तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 6, और 11 यहाँ पुट करूंगी तो 66 डिवाइडेड बाय 10.5 बेटा, तो ये आपके पास फ्रैक्शन आएगा। फ्रैक्शन माइनस ये 6 क्या है, एक सिंपल, और फ्रैक्शन माइनस 6 सिंपल नंबर कभी 1 नहीं हो सकता, ये आपके सामने मैंने एग्जांपल। तो ये क्या आएगा वो भी फाइंड करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं। ठीक है, सेकंड यानी ये ऑप्शन हमारा यहाँ से रिमूव हो गया। अब बचा क्या, अब हमारे पास 6 पुट करके देख लेते हैं। जब मैं यहाँ 6 पुट करूंगी x की वैल्यू 6, तो ये वैल्यू आपके पास 11 है, और जब मैं यहाँ 6 पुट करूंगी तो ये 5.5 है, और 5.5 से 66 को डिवाइड करूंगी, पॉइंट रिमूव, 0 एक्सटेंड। ठीक है, 11 से ये 5 टाइम, 11 से ये 60, और 5 से ये 60 इज 12, तो कितना आएगा 12, और 12 माइनस 11 का डिफरेंस 1 सेटिस्फाई होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू भी 6 क्या होती है, सेटिस्फाई होती है, यानी x की वैल्यू क्या है, 6 रुपीज पर डजन। ओरिजिनल प्राइस हमने x से अज्यूम किया था 6 रुपीज पर डजन। तो ये बात क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट ए एंड बी, 10% वोटर डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द वोटिंग, 700 कास्टेड वोट डिक्लेयर इनवैलिड एंड द विनर गॉट 70% ऑफ द टोटल वैलिड वोट एंड विन बाय 800 वोट्स। ठीक है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट। हम हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में वोटिंग लिस्ट क्या अज्यूम करते हैं, एक्स। ठीक है, वोटिंग लिस्ट एक्स है जिसमें से 10% वोटर ने वोट पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो पार्टिसिपेट कितनों ने किया, 19। अब हमें उसके रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि जो इनवैलिड हुए हैं वो हम किसमें से इनवैलिड फाइंड करेंगे, जिन्होंने वोट डाला है। ठीक है, तो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो 10% ने नहीं किया। वोटिंग लिस्ट ऑलवेज किसके इक्विवेलेंट होती है, तो वोटिंग लिस्ट हमने अज्यूम की है एक्स, पर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो किसके इक्विवेलेंट है, 100। अगर 10% ने वोट नहीं दिया तो x का कितने परसेंट ने पार्टिसिपेट किया, 90%। तो ये क्या आ गए हमारे पास, पार्टिसिपेंट। ठीक है, अब ये भी अपने आप में क्या है, एक 100% है। इसमें से 700 वोट कास्टेड वोट इनवैलिड, 700 इनवैलिड हो गए तो मुझे वैलिड चाहिए, वैलिड हो गए वैलिड चाहिए तो मैं इसमें से क्या कर दूंगी, इनवैलिड वोट डिडक्ट कर दूंगी। तो ये मेरे पास अब क्या आ गई है, वैलिड। अब वैलिड वोट भी अपने आप में क्या होते हैं, एक 100% इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, 100%। ठीक है, तो ये हमारे पास वैलिड वोट हो गए। और हार और जीत का जो फैसला होता है, या वोटर्स विनर्स को या लूजर को जो वोट मिलते हैं, वो हमेशा वैलिड मिलता है। तो अब देखिए, ये अपने आप में 100% वैल्यू है, इसमें से विनर को कितना मिला है, तो विनर को 70%। ठीक है, वैलिड वोट का विनर को कितना मिला है, तो वैलिड वोट का विनर को कितना मिला है, 70%। तो ये अंडरस्टूड है, रेस्ट ऑफ द किसको मिलेगा, लूजर को। तो लूजर को कितने मिलेगा, 30% वैलिड। तो विनर जो है कितने वोटों से जीत रहा है, इसको 70 से अगर मैं 70 कहूं, 30 से कितना मोर है, 40 यूनिट या 40% डायरेक्टली हम कह सकते हैं ना। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मैंने मोर वाला पार्ट ही क्यों लिया, क्योंकि नेक्स्ट लाइन दी है विन बाय 800 वोट, विनर जो है इतने वोटों से जीत रहा है, तो जो मुझे कंपैरिजन के लिए वैल्यू चाहिए वो इनका डिफरेंस चाहिए, तो इनका डिफरेंस इज 40%। तो मैं 40% इनका डिफरेंस कंसिडर करूंगी, वो कितना है, 8। इसके इक्विवेलेंट रखते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 4 से इसे मिनिमाइज करेंगे तो ये 20, और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू देखिए आपके पास कितनी आ जाएगी, x का जो 90% है। ठीक है, ब्रैकेट का इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, माइनस 700 किसके इक्विवेलेंट है, 2000, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ये 700 इधर आएगा तो प्लस का 2700 हो जाएगा, और x की 90% है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहां से x की वैल्यू देखिए कैंसिल आउट होगा, 3 times 300, 0 से 0 कैंसिल कर देती हूँ, 100 मल्टीप्लाई में 30 into 100, 3000। तो x की वैल्यू इज 3000, और x हमने क्या अज्यूम किया था, वोटिंग लिस्ट इज 3000 जो ऑप्शन है फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी परचेज ए हाउस ऑफ 56 लाख, द शेयर ऑफ बी सी डी टूगेदर इज 460% ऑफ द ए एंड द शेयर ऑफ ए सी एंड डी टूगेदर इज 360
62/3% of B, and the share of C is 40% of the share of A, B, D together. Find the share of D. हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कि 4% है A, B, C, D. वो एक फ्लैट परचेज करते हैं 56 लाख रुपीज में, और उनका जो शेयर है ना वो हमें एक दूसरे से कंपेयर करके रेशियो के टर्म्स में डिफाइन किया गया है. फर्स्ट देखिए क्या बताया गया है. बी सबके शेयर ना जो वेरिएबल उनके नेम है उसी वेरिएबल से, मैं उसे एज्यूम करती हूँ कि ए का शेयर इज ए, बी का शेयर इज बी, एंड सी का शेयर इज सी, एंड डी का शेयर इज डी. अब हमें क्या बताया गया है, जो शेयर ऑफ बी सी एंड डी है टुगेदर, यानी तीनों के शेयर का जो टोटल है वो किसके इक्वलेंट है, 460% ऑफ द ए, ए के शेयर का 460%. तो यहां से कंक्लूजन क्या आएगा, बी सी डी अपॉन में ए, ये क्योंकि ये मल्टीप्लाई में होगा तो मैं इसे अपॉन में ले आती हूं. ठीक है, वो किसके इक्वलेंट में है, चाहे आप यहाँ वैल्यू भी रख लीजिए. 460% की सिंप्लीफाई फॉर्म क्या होगी, तो बेटा देखिए 460% को मैं 400 प्लस में 60% ब्रेक करके लिख सकती हूँ. 400% की फ्रिक्शन इज 4, सिंप्लीफाई फॉर्म इज 4, एंड 60% की इज 20% की 1/5, तो 60% की 3/5. सिंप्लीफाई करेंगे 4 5 20 20 प्लस 3 इज 23/5. तो ये 460% की सिंप्लीफाई फॉर्म इज 23/5 इंटू में ए, और ये ए मैं डायरेक्टली यहाँ मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेके जा रही हूँ ताकि हम एक स्टेप कैलकुलेशन का मिनिमाइज कर सकें. ठीक है, ताकि हम एक स्टेप क्या है कैलकुलेशन का मिनिमाइज कर सकें. तो मेरे पास बी प्लस सी प्लस जी के टुगेदर, मतलब तीनों के जो शेयर का रेशियो है वो 23 अपॉन में ए का जो रेशियो है वो कितना है, 23:5. तो डायरेक्टली बोल सकती हूँ कि इन तीनों का 23 है और ए का 40, ये एक रेशियो को बताता है. नेक्स्ट लाइन देखिए क्या दी है, ए सी एंड जी इनका जो शेयर है वो क्या है, 366/3% है बी के शेयर. ठीक है, तो 366/3% की सिंप्लीफाई फॉर्म कितनी होती है, तो इसे मैं 300 प्लस में 66/3 में ब्रेक करूं. 300 की 3, 66 की 2/3, सिंप्लीफाई फॉर्म इज 3 3 9 प्लस 2 इज 11. ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन ए प्लस सी प्लस जी का शेयर अपॉन में बी का शेयर किसके इक्वलेंट है, 11/3. एंड थर्ड कंडीशन, शेयर ऑफ सी, सी का जो शेयर है वो 40% है किसका, 40% ऑफ ए प्लस बी प्लस जी. 40% की फ्रिक्शन इज 2/5. ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन आएगा सी अपॉन में ए प्लस जी बी प्लस जी इक्वलेंट है 2/5. अब पॉइंट समझना, ये हमारे पास तीन डिफरेंट इक्वेशन आ गए, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड. यहाँ पे देखें ए बी सी एंड डी वही सेम 4% है, और उनके शेयर का अगर मैं टोटल कहूं, रेशो है ना 23:5, टोटल कहूं तो 23 प्लस 5 इज 28. यहाँ पे भी ए बी सी डी वही सेम पर्सन है, उनके शेयर का टोटल कहूं तो कितना, 14. और यहाँ पर भी वही सेम 4% है और सम का टोटल कहूं तो 7. क्या ऐसा पॉसिबल है कि वही सेम 4% है और उनके शेयर का जो टोटल आए, सम आए, वो डिफरेंट आए, वो पॉसिबिलिटी नहीं है. रेशियो कुछ भी हो सकता है पर सम हमेशा इक्वल होना चाहिए. सम इक्वल होना चाहिए, सम इक्वल नहीं है तो हम इक्वल बनाएंगे. इक्वल बनाने के लिए 28 को तो 40 नहीं बना सकते, पर 14 एंड 7 को 28 बना सकते. तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. रेशियो देखिए वही मेंटेन रहेगा, ये 22/6 सम इज 28 बन गया. और यहाँ पे 7 को 28 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई, तो 8/20. तो देखिए रेशियो वही मेंटेन है, बस वैल्यू का सम जो है वो इक्वल मेंटेन है. अब देखिए डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ए का शेयर इज 5 यूनिट. ठीक है, तो यहां से मेरे पास ए का शेयर कितना आ गया, 5 यूनिट. बी का शेयर कितना आ गया, डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं, 6 यूनिट. ठीक है, एंड सी का शेयर कितना आ गया, तो सी का शेयर इज 8 यूनिट. हमें डी का शेयर बताना है, तो रेस्ट ऑफ द डी का शेयर टोटल इज 28. 5 5 एंड 6 इज 11 11 प्लस 8 19, और टोटल इज 28 28 माइनस 19. ठीक है, तो 9 यूनिट इज डी का शेयर. हमसे डी का शेयर पूछा गया, टोटल तीनों चारों का जो शेयर है हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 28, और एक्चुअल में कितना है, 56 लाख. 28 यूनिट इज इक्वल टू 56 लाख, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 लाख. ठीक है, तो डी का शेयर इज 9 यूनिट, और 9 यूनिट इज इक्वल टू 18.
ठीक है, तो d का शेयर इज 9 यूनिट 9, तो d का शेयर इज 18 यूनिट, यहां से हमने फाइंड कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ए ट्रेन स्टार्ट इट कैरिंग 240 पैसेंजर एट ए फर्स्ट स्टेशन 12 पैसेंजर गॉट डाउन एंड 22 पैसेंजर कैच इनटू ए ट्रेन एट द सेकेंड स्टेशन 20% पैसेंजर गॉट डाउन एंड थर्ड स्टेशन 32 एट द थर्ड स्टेशन एंड 32 पैसेंजर कैच इनटू ए ट्रेन Some passenger got down and now finally there are the 80% passenger in a train. Find the number of passenger go down in a third at a third station. देखिए हमारे पास total number of passenger first station में कितने थे? तो first station पे आपके पास जो train start हुई थी 240 student थे, 240 passenger थे. At the first station 12 passenger go down. First station पे क्या हुआ? 12 इसमें से उतर गए, ठीक है, एंड 22 गेट इनटू ए ट्रेन, ठीक है, तो 22 इसमें क्या किए? एंटर किए, तो फाइनली एट द एंड फर्स्ट स्टेशन, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, अज्यूम करें 240, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेशन में अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेशन पे हमारे पास एट द एंड कितने रह गए? फर्स्ट स्टेशन, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेशन में कितने हैं हमारे? एट द एंड फर्स्ट स्टेशन अगर हम कहें नंबर ऑफ पैसेंजर कितने रह गए, तो माइनस का 12 प्लस का 22, ठीक है, तो ये आपके प्लस का 10 यानी 250 आ जाएगा, ठीक है। अब एट द एंड एट द सेकेंड स्टेशन फर्स्ट स्टेशन से सेकेंड स्टेशन ट्रेन गई है, ठीक है, तो वहां पे क्या 20% पैसेंजर गो डाउन, ठीक है, यहां से 20% पैसेंजर इसमें से उतरे हैं, ठीक है, 250 का 10% इज 25, ठीक है, 20% पैसेंजर इसका मैं फाइंड करूंगी तो 50, तो 250 में से 50 पैसेंजर क्या है गो डाउन, यानी फाइनली एट द एंड सेकंड स्टेशन 200 पैसेंजर रह जाए, ठीक है। नेक्स्ट ले क्या क्या रहा है? एट द थर्ड स्टेशन 32 पैसेंजर गेट इन टू ए ट्रेन। थर्ड स्टेशन में क्या हुआ है जब आए, ठीक है, तो 32 पैसेंजर इसमें चढ़े, तो यानी फाइनली कितने हो गए? 200 प्लस में 32 इज 232, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन हमें क्या कही है? एंड सम पैसेंजर गॉट डाउन, और कुछ पैसेंजर इसमें से फाइनली उतरे हैं, और देयर आर 80% पैसेंजर इन ए ट्रेन। अब कितने उतरे हैं हमें वो नहीं पता, हम एक्स मान, ठीक है, तो एट द एंड कितने रहे होंगे? 230 माइनस एक्स, और ये क्या है? इनिशियल का 80%, यानी 240 का इनिशियल क्या थे? इनिशियल पैसेंजर कितने थे? 240, उसका 80%, ठीक है, जो किसके इक्वलेंट है? 232 माइनस एक्स। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 00 से 00 कैंसिल आउट, 24 की 8 से मल्टीप्लाई, 4 इंटू 2 8 इज 32 का 2, 84 जा 32 का 2 एंड 3 कैरी फॉरवर्ड, 216 एंड 3 इज 190, ठीक है, ये किसके इक्वलेंट है? 232 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो इधर चला जाएगा एक्स, 232 माइनस 190, ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0 एंड 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 440, ठीक है, तो कितने पैसेंजर थर्ड स्टेशन पे फाइनली उतरे थे, तो वो कितने उतरे थे? 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन एग्जामिनेशन 5 क्वेश्चन वर आस्क्ड, 5 क्वेश्चंस पूछे गए एक एग्जाम में, जिसमें से 5% ऑफ द टोटल स्टूडेंट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, जिसमें से 5% ने ऑल द क्वेश्चंस का आंसर, यानी 5 के 5 क्वेश्चन का आंसर दिया, एंड 5% स्टूडेंट डिड नॉट आंसर एनी क्वेश्चन, और 5% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने किसी भी यानी एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, आउट ऑफ द रिमेनिंग, ठीक है, और जो रिमेनिंग है उसमें से 25% ऑफ द स्टूडेंट आंसर ओनली वन क्वेश्चन, उसमें से रिमेनिंग में से 25% स्टूडेंट ने सिर्फ वन क्वेश्चन का आंसर दिया है एंड 20% ने 4 क्वेश्चन का आंसर दिया एंड 24.2% ऑफ द टोटल स्टूडेंट का 24.5 ने, ठीक है, 2 क्वेश्चन का आंसर दिया एंड 200 स्टूडेंट गिव आंसर ऑफ 3 क्वेश्चन, देन इन हाउ मेनी स्टूडेंट अपियर इन एग्जामिनेशन। देखिए हमारे पास यहाँ पर अपियर एग्जामिनेशन में अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो 100 एक्स भी अज्यूम कर सकते हैं, 100 यूनिट भी, आपकी चॉइस है आपको क्या अज्यूम करना है, तो हम 100 यूनिट अज्यूम करें,
एक्स क्या किस लिए यूज था, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट हम जो अपियर हुए हैं एग्जाम में, ठीक है, वो कितने अज्यूम कर रहे हैं, 100। और यहाँ पे 5 डिफरेंट कंडीशन लिखी, टोटल 5 क्वेश्चन है तो कंडीशन 6 बनेगी। कैसे, जिन्होंने जीरो क्वेश्चन, जीरो के लिए हम नन भी यूज कर सकते हैं और जीरो भी कह सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं, जिन्होंने एक क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, और जिन्होंने दो क्वेश्चन का आंसर दिया एंड 3 क्वेश्चन का आंसर दिया, 4 क्वेश्चन का आंसर दिया और 5 के 5 क्वेश्चन का आंसर। तो फर्स्ट लाइन दी है कि 5% ऑफ द टोटल, टोटल का जो 5% है ना, उन्होंने ऑल द क्वेश्चन यानी 5 के 5 क्वेश्चन का आंसर जो ने दिया है, टोटल का 5%, 100 का 5% इज 5 यूनिट। और 5% ने ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया यानी नन, वो भी 5 यूनिट। तो मेरे पास ये 5 और 5 कितने हो गए, 10 यूनिट, ठीक है। 10 यूनिट ने मतलब नन और ऑल क्वेश्चन का आंसर दिया। अब नेक्स्ट लाइन कहेगा क्या कही है, आउट ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग कितने होंगे, टोटल इज 100, 100 में से ये 10 डिडक्ट कर दूं तो रिमेनिंग इज 90 यूनिट। इस 90 यूनिट का 25%, ठीक है, वन क्वेश्चन का आंसर दिया है, ठीक है, इसका मैं 25% 1/4 वो भी फाइंड कर सकती हूँ। और डायरेक्टली भी मैं ले सकती हूँ वन क्वेश्चन का आंसर एंड 4 क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, जो इन्होंने दिया ये मैं टोटल भी फाइंड कर सकती, ठीक है। वो कितना है, 25% ने तो वन क्वेश्चन का आंसर दिया एंड 20% ने 4 क्वेश्चन का आंसर। तो फाइनली अगर मैं देखूं तो 45% यानी 90 का 45% ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने 1 एंड 4 क्वेश्चन का आंसर दिया, तो हम इसे फाइंड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। ये कितने हैं, 0 से 0 कैंसिल, 9 की 45 से मल्टीप्लाई, 9 5 सा अगेन 45 का 5, 4 कैरी फॉरवर्ड, 9 4 जा 36 एंड 40.5। तो यानी अगर मैं 1 और 4 वाले क्वेश्चन का सम करती हूँ तो ये सम कितना है आपके पास, 40.5, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन क्या कही गई है, 24.5% ऑफ द टोटल, टोटल स्टूडेंट का 24.2 क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो जिन्होंने 2 क्वेश्चन का आंसर दिया है वो 100 का कितना, 24.5, 100 का 24.5 इज 24.5, तो यानी 2 क्वेश्चन का आंसर देने वाले कितने हैं, 24.5। तो फाइनली 3 क्वेश्चन का रेस्ट ऑफ द ने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया होगा, 3 क्वेश्चन का, और वो कितने हैं, 200। हमारे अकॉर्डिंग कितने, अब हम वो फाइंड कर लेते हैं। तो इन सब का सम कर लीजिए तो आपके पास कितना है, 10 तो 1 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन, 0 नन क्वेश्चन एंड 5 क्वेश्चन का आंसर देने वाले एंड 2 क्वेश्चन का आंसर देने वाले आपके पास 24.5 एंड 1 एंड 4 क्वेश्चन का आंसर देने वाले 40.5। ये सम हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 और फिर ये आपके पास 5 एंड ये 75%। टोटल का 75% ने या 75 यूनिट ने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया है हमारे अकॉर्डिंग, तो कितने क्वेश्चंस का, नन, वन, सॉरी वन, टू एंड फोर एंड फाइव, सिर्फ 3 क्वेश्चन का आंसर देने वाले कितने रह गए, 3 क्वेश्चन का आंसर देने वाले 100 माइनस 75 इज 25, और एक्चुअल में वो कितने हैं हमारे अकॉर्डिंग, 25 यूनिट, एक्चुअल में 25 यूनिट इज इक्वल टू 200 स्टूडेंट्स, 1 यूनिट इज इक्वल टू 8 स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड एग्जाम में टोटल अपियर स्टूडेंट कितने थे, तो वो 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800, ठीक है, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800, तो आंसर इज 800 स्टूडेंट, ठीक है। तो अपियर स्टूडेंट कितने हैं, 800, जो हमारा क्वेश्चन नंबर, जो ऑप्शन नंबर 8 है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम परसेंटेज के ही हाई लेवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड क्वांटिटी कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड डीआई बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।